हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त आयेगे स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बताऊंगा अपकमिंग फोन्स ऑफ मार्च 2020। मार्च में बहुत धमाका होगा, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। तो आज की वीडियो में मैं डायरेक्टली सब कुछ बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से फोन्स आ रहे हैं और ग्लोबली भी। तो पहले फोन की बात की जाए तो आ रहा है ओप्पो रेनो 3 प्रो। जी हाँ, ओप्पो रेनो 3 प्रो जो दिसंबर में चाइना में आया था स्नैपड्रैगन 765 के साथ, पर कुछ चेंजेस के साथ वो इंडिया में भी आ रहा है। इसमें मिलेगा आपको हीलियो P95, एक न्यू प्रोसेसर है मीडियाटेक का। साथ में जो मेन चीज है इसमें है डुअल 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी डिपेंड करता है प्राइस। चाइना में इसकी प्राइस थी 40,000। स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर जो रेडमी K30 20,000 में ले आया था, वो 40,000 ले रहे थे। तो देखते हैं इंडिया में क्या कमाल करते हैं प्रोसेसर, पता चलेगा जब ये आएगा, हम टेस्ट करेंगे। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि बढ़िया होगा या नहीं, मगर ओप्पो का रिकॉर्ड है प्राइस इसके थोड़े ओवर होते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो ब्लैक शार्क 3 एंड ब्लैक शार्क 3 प्रो, ये फोन मुझे बहुत ही बढ़िया अग्रेसिव प्राइस पे लग रहा है, आ सकता है। एक गेमिंग फोन होगा, स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा, 2K रेजोल्यूशन मिलेगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज 270 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट, और फिजिकल मैकेनिकल बटन्स मिलेंगे खेलने के लिए, मैग्नेटिक चार्जर मिलेगा। तो ये कॉस्ट इसकी मेरे हिसाब से 35,000 हो सकती है। कल एक मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था कि कह रहे हैं प्राइस लीक हुआ है, जिसमें कह रहे हैं नियर अबाउट 30,000 हो सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है 35 तक तो आएगा। स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर है, तो देखते हैं 3 मार्च को शाओमी क्या कमाल करती है इस फोन के साथ, और शायद ये इंडिया में भी आ जाए जल्दी। नेक्स्ट की बात की जाए इन्फिनिक्स S5 Pro। जी हाँ, एक ये पॉपअप वाला कैमरे वाला फोन आ रहा है, जो कह रहे हैं सबसे लोएस्ट प्राइस पे आएगा, मे बी अंडर 10 के आ सकता है। होपफुली प्रोसेसर भी बढ़िया यूज करे। वैसे मैंने कभी इस कंपनी का फोन यूज नहीं किया, मगर मिड रेंज फोन होते हैं तो होपफुली बढ़िया प्राइस के साथ ये फोन आए। नेक्स्ट फोन की बात की जाए तो आ रहा है 6 मार्च को ओप्पो फाइंड एक्स 2 और एक फाइंड एक्स 2 प्रो। ये फोन एक फ्लैगशिप फोन होगा, काफी महंगा लग रहा है एज पर स्पेसिफिकेशन। 3K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कैमरा और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसकी कॉस्ट 60,000 to 70,000 इजिली जाएगी। स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा ये भी फोन, और कर्व वाटरफॉल डिस्प्ले हो सकती है, कर्व डिस्प्ले हो सकती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है फोन। देखते हैं ये इंडिया में कब तक आता है, ग्लोबली 6 मार्च को ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा Realme 6 एंड Realme 6 Pro। 5 मार्च को Realme अपना इवेंट कर रहा है, इसमें काफी कुछ लॉन्च होगा और एक ये मिड रेंज फोन ला रहा है। Realme 6 कह रहे हैं अंडर 10,000 होगा और Realme 6 Pro अंडर 15,000। एक MediaTek का प्रोसेसर यूज करेंगे जो Realme 6 में हो सकता है, 6 Pro में कह रहे हैं Snapdragon 720G वाला प्रोसेसर होगा, 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, प्लस 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग दोनों ही फोन्स में मिलेगा। फोन काफी बढ़िया लग रहा है, सिंगल पंच होल के साथ आता है Realme 6 और डुअल पंच होल के साथ आता है Realme 6 Pro। तो देखते हैं क्या प्राइस में लॉन्च करता है, मेरे को लगता है इस बार Realme कमाल जरूर करेगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो Redmi 9, जी हाँ Redmi 9 भी Xiaomi जल्दी लॉन्च कर सकता है अंडर 10K। इसमें होगा Helio G70 कह रहे हैं, देखते हैं, एक अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, मगर रूमर्स हैं कि ये 10 से 15 मार्च के बीच में आ सकता है। तो देखते हैं ये कब तक फोन आता है। इसके बाद हम बात करें Nubia Red Magic 5G। Nubia Red Magic 5G भी ये चाइना में भी लॉन्च होगा, गेमिंग फोन होगा, Snapdragon 865 के साथ आएगा, 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो सबसे ज्यादा है अभी तक का, और पिक्चर सामने ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, गेमिंग फोन है। तो देखते हैं Nubia इंडिया में लाता है या नहीं, लास्ट टाइम आया था मगर कॉस्ट थोड़ी ओवर होती है, तो देखते हैं Nubia इस बार क्या करता है। नेक्स्ट फोन की बात की जाए तो आ रहा है Vivo V19 सीरीज। जी हाँ, Vivo V19 सीरीज कह रहे हैं मिड ऑफ मार्च में आ जाएगी इंडिया में। वैसे मुझे ये सीरीज बहुत नहीं पसंद, क्योंकि प्रोसेसर पे इसका फोकस नहीं होता, मेन फोकस होता है इसका सिर्फ कैमरे पे। तो प्राइस के हिसाब से मैं इसको इतना वर्थी फोन नहीं मानता, तो देखते हैं किस प्राइस पे और कब तक ये आती है। नेक्स्ट की बात की जाए तो आ रहा है Mi 10। जी हाँ, कल एक मैंने टेक न्यूज में न्यूज बताई थी कि Mi 10 मिड ऑफ मार्च में इंडिया में आ सकता है। 40,000 का ये फोन लॉन्च हुआ था चाइना में, बहुत बढ़िया स्पेक्स के साथ। मैंने इसका हैंड्स ऑन वीडियो डाली थी Mi 10 और Mi 10 Pro की, आप देख सकते हैं। मुझे फोन बहुत बढ़िया लगा एज पर स्पेसिफिकेशन। इंडिया में देखते हैं 45,000 तक ये आ सकता है, कि फ्लैगशिप फोन होगा और थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो देखते हैं Mi 10 क्या कमाल करता है Xiaomi, क्योंकि Realme X50 Pro 5G वाला आ गया तो Xiaomi को कुछ तो लाना पड़ेगा, तो चांसेस है Mi 10 हो सकता है। नेक्स्ट फोन की बात की जाए तो आ रहा है हमारा Redmi K30 Pro। जी हाँ, Redmi K30 Pro कह रहे हैं 24 मार्च को चाइना में लॉन्च हो सकता है। इसमें भी होगा Snapdragon 865 LPDDR5 UFS 3.0, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा जो सोनी सेंसर के साथ आएगा, बैटरी 4700 mAh की, 33 वॉट का फास्ट चार्जर, और ये इंडिया में अप्रैल में आने के चांसेस हैं।
तो प्राइस मेन फोकस है। कुछ लोग कह रहे हैं ये 32,000 तक होगा, कुछ कह रहे हैं अंडर 30 भी आ सकता है। तो अगर अंडर 30 आ गए तो स्नैपड्रैगन 865 के साथ पहला फोन होगा जो अंडर 30 के होगा। मगर Xiaomi है, कुछ भी कर सकती है, कमाल कर सकती है। नेक्स्ट की बात की जाए तो आएगा Huawei P40 सीरीज। यहाँ Huawei P40 सीरीज पेरिस में 26 मार्च को लॉन्च होगी। ये एक फ्लैगशिप लेवल की सीरीज होगी, मगर अभी इनका गूगल का पंगा चल रहा है तो मैं श्योर नहीं हूँ किस गूगल सर्विस आती है नहीं आती। अगर आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो भाई मैं कहूँगा रियली सॉरी फॉर दिस फोन। प्राइस इसकी कह रहे हैं जो P40 होगा वो नियर 48,000 से शुरू हो सकता है, और P40 Pro होगा जो उसकी कह रहे हैं 60 अबव होगी। इसमें कीरिन 990 का प्रोसेसर होगा 5G वाला, और कैमरे में भी कह रहे हैं इसमें IMX का न्यू सेंसर होगा सोनी का। तो देखते हैं क्या कमाल करता है क्या नहीं करता, जो होगा उसके बारे में बताऊंगा। फोन की बात की जाए तो आ सकता है iPhone 9 और SE 2। ये एक पुराने स्टाइल का थोड़ा फोन होगा iPhone 8 की तरह, जिसकी कॉस्ट कह रहे हैं $400 होगी। इसमें प्रोसेसर iPhone 11 वाला यूज किया जाएगा, A13, जो काफी बढ़िया है मगर कॉस्ट बहुत सस्ती है। काफी लोग एप्पल के जो दीवान है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, मगर लुक वाइज ये काफी थोड़ा पुराने स्टाइल का लग रहा है तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मगर कोशिश करूंगा इसका भी अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन दे दूंगी। 30,000 का एप्पल का फोन हो तो भाई हम क्यों मौका छोड़ें, तो मैं यही कह सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ये लिस्ट है। काफी लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि भाई मी नोट 10 CC9 Pro इंडिया में कब आएगा, क्योंकि इन्होंने टीजर दिसंबर का लॉन्च किया हुआ, अभी तक नहीं आया। तो मेरे हिसाब से Xiaomi शायद उसको भूल गई है, अब ये सिर्फ फोकस करेगी मी 10 पे, क्योंकि उसमें भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो देखते हैं Xiaomi लाता है मी 10 या मी नोट 10, जो भी होगा हमें पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।